सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल हेल्प चैनल को, दबाए इस बेल आइकन को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देख। दोस्तों काफी लोग ऐसे हैं जो जियो में सिर्फ और सिर्फ 149 का रिचार्ज कराते हैं और उसके लिए आपको 149 रुपए ही देना होता है, प्लस अब तो आपको उसमें 10 रुपए या 20 रुपए आयु से चार्ज भी देना होगा। लेकिन मैं बात करने वाला हूं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 149 का रिचार्ज कराते हैं जिसमें आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, वो रिचार्ज सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए के आसपास कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक नए ऑफर के बारे में। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बार रिचार्ज करते हो, इनके पहली बार रिचार्ज करते हो गूगल पे से, तो आपको यहां पर 149 की छूट मिल जाएगी। लेकिन मैं इस ऑफर की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ अलग कुछ और ऑफर बताना चाहता हूं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए ही पे करने होंगे और आपको वहां पर वो रिचार्ज बिल्कुल फ्री पड़ जाएगा, यानी कि आपको उसमें काफी छूट मिल जाएगी। अगर आप इस रिचार्ज को करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जियो रिचार्ज के बारे में। अगर आपके पास किसी अदर कंपनी का सिम कार्ड है, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, और आप उसका रिचार्ज भी काफी सस्ता करना चाहते हैं तो नीचे यार कमेंट जरूर करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जियो के लिए। तो सबसे पहले आपको नीचे एक लिंक मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना है, तब आप यहां पर इस तरह की वेबसाइट पर पहुंच जाओ कैश करो। तो यहां पर आपको सबसे पहले यहां पर अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। आप यहां पर फेसबुक से डायरेक्टली कर सकते हैं या आप यहां पर एक नई मेल आईडी से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आप अकाउंट ओपन कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपके सामने अकाउंट ओपन करते इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको वो रिचार्ज करना हो, आपको रिचार्ज डायरेक्टली नहीं करना है, लेकिन वो कैसे करना है ये मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। तो देखिए आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा, ऊपर आपको एक सर्च का एक ऑप्शन मिलेगा छोटा सा, देखिए दोस्तों ये रहा ऊपर, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको टाइप कर देना है जियो, GIO। जैसे जियो आप टाइप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा अमेजॉन जियो रिचार्ज, तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट रिवॉर्ड, तो एक्टिवेट रिवॉर्ड के ऊपर आप क्लिक कर देना। यहाँ पर आप कुछ देखिए आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपको यहाँ पर फर्स्ट रिचार्ज पर 50 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। अब आप कैसे रिचार्ज करोगे, एक्टिवेट रिवॉर्ड के ऊपर आप क्लिक कर देना, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। फिर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए दोस्तों यहां पर ये रहा विजिट रिटेलर, तो यहां पर आप क्लिक कर देना। अब यहां से आप कैश क्रॉस डायरेक्ट अमेज़न पर पहुंच जाओगे, देखिए दोस्तों ये रहा आपके सामने कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, आप डायरेक्टली अमेज़न रिचार्ज के ऑप्शन पर पहुंच जाओगे। रिचार्ज का एक ऑप्शन यहां पर आपको मिलेगा, तो सिंपली आपको यहां पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहां पर आपको फर्स्ट जो है आपको नंबर डाल दीजिए, ऑपरेटर तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको यहां पर 40 रुपए की छूट और मिल जाएगी, यानी कि वहां पर आपको 50 और यहां पर 40, तो 90 रुपए के आसपास यहां पर आपको छूट मिल जाएगी। अब ये रिचार्ज आपका 80 रुपए के आसपास हो जाएगा। यहां पर आप नंबर डाल दीजिए, प्लान सेलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सा प्लान लेना है, 149 का आप यहां पर सेलेक्ट करना। अब नीचे आपको ऐड बैलेंस मिलेगा, यहां पर आप बैलेंस ऐड कर लेना, पे पर आप क्लिक कर देना और आपका ये रिचार्ज सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए के आसपास हो जाएगा। और आपको ये जो आपका पैसा है आपको कुछ टाइम के बाद मिलेगा, आपको हैंड टू हैंड आपका ये कैशबैक नहीं मिलेगा, आपको कुछ टाइम का वेट करना होगा, जो आपका अमाउंट है आपको दोबारा से वापस मिल जाएगा। तो काफी अच्छी तरीका है, इस तरीके से आप अपने रिचार्ज 80 रुपए के आसपास कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। तो फिर मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।